हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूबी ब्लॉगर। गाइस, आज का ब्लॉग हम पूरी से स्टार्ट करने वाले हैं, आपको सनराइज दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ मॉर्निंग में पूरी का समंदर किनारा का माहौल कैसा रहता है उसको दिखाने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत मजा आने वाली है और अभी हम अपने होटल के रूम में ही हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सी बीच। गाइस, आप देख सकते हैं सनराइज हो चुका है यहाँ पर और ये है समंदर किनारा। यहाँ से देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइस, अभी हम यहाँ जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है। गाइस, हम जा रहे हैं अभी गोल्डन बीच के लिए। प्रकार से यहाँ पर नज़ारा है और आप देखते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मॉर्निंग का समय है गाइस, तो भीड़ कम है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये स्वर्ग द्वार चौक है, पुरी का सबसे फेमस चौक और यहाँ से गोल्डन बीच स्टार्ट है। मैं पहुँच गया हूँ गाइस, मजा आने वाला है सी बीच। अभी सुबह सुबह का माहौल देखने वाले हैं हम। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यह है गोल्डन बीच पूरी। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं सनराइज हो चुका है। तो सूरज की किरणें जब समंदर पर पड़ रही हैं तो सुनहरी दिखाई दे रही है समंदर और ये लहरें उठ के हुए आ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे बेहतर कुछ नहीं है गाइस। मैं अभी बीच पर ही गोल्डन बीच पर चल रहा हूँ गाइस और मैं पूरा गोल्डन बीच चलते हुए जाना चाहता हूँ और इस खूबसूरत पल को एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं कैसे सुनहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर गोल्डन बीच। और अभी मॉर्निंग का समय है गाइस, तो अभी ज़्यादा पब्लिक नहीं दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ पब्लिक हैं उधर आगे साइड हैं। खूबसूरत मॉर्निंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक लोग हैं, यहाँ पर टूरिस्ट लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम अभी और आगे जा रहे हैं गोल्डन बीच के, बहुत लंबा ये गोल्डन बीच है पूरी का और यहाँ से हम जा रहे हैं और आगे साइड, वहाँ देखते हैं पब्लिक लोग वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ये चेयर्स है और इसमें आप बैठकर गोल्डन बीच को आराम से घंटों तक देख सकते हैं इस चेयर पे बैठकर। गाइस, मैं अभी समंदर किनारे हूँ गोल्डन बीच के और यहाँ देख सकते हैं ऐसा कुछ माहौल हो रखा है। कुछ चेयर्स वाले भैया यहाँ पर चेयर्स को धो रहे हैं, समंदर के पानी में चेयर्स को धोकर आ रहे हैं, देख सकते हैं भाई लोग। और यहाँ पर मैं जा ही रहा था गाइस तो मेरे को संघ वाले भैया दिख गए जो अभी अभी संघ लेकर आए हैं और संघ को धो रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत संघ हैं भैया लेकर आए हैं यहाँ पर और बिक्री के लिए जाएगा ये मार्केट में। भैया हेलो भैया, अभी हम नाश्ता कर लेते हैं गाइस। ये रहा हमारा नाश्ता, यहाँ पूरी का स्पेशल बड़ा। गाइस, नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद निकलेंगे हम गोल्डन बीच के आगे के एरिया को कवर करेंगे। फिलहाल अभी नाश्ता कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ गाइस, मछुआरे लोग कैसे समंदर में नाव को कैसे ले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। चलिए देखते हैं। ये रहा कुछ यहाँ पर ऐसा मंजर हो रखा है।
ये नाव जाने वाली है मछली पकड़ने के लिए समंदर में, वापस ले जाने का तैयारी चल रहा है। मेरे को भी जाने को मन कर रहा है नाव पे बैठ के समंदर, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाने वाले हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है समंदर के अंदर में। जाने की तैयारी चल रहा है, देख सकते हैं समंदर के अंदर जा रहा है नाव मछली पकड़ने, और कुछ टूरिस्ट भी जा रहा है। ये चला गया गाइस, देख सकते हैं नाव चला गया, ये चला गया मछली पकड़ने। वो रहा दूर चला गया, बहुत अच्छे तरीके से इन लोग समंदर में नाव को चढ़ा दिए। जैसे देख सकते हैं एक्सीलेटर, वहाँ बुक करा सकते हैं। ये एडवेंचर एक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो 500 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे गाइस। देख सकते हैं अभी जा रहा है ये, बहुत मजा आने वाला है इन लोग को। बीच में एडवेंचर एक्टिविटीज भी बहुत होती है गाइस, आप देख ही रहे हैं सामने में। 500 रुपए चार्ज देकर आप ये एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पर गोल्डन बीच में। ओ दूर चला गया गाइस, गाइस मैं गोल्डन बीच में घूम ही रहा था तो अपने छत्तीसगढ़ का एक भाई दिख गया मेरे को, उससे गाइस मैं आपको मिलाता हूँ। भाई ये भाई अपना छत्तीसगढ़िया शक्ति है ये, और इनका नाम है नूतन भाई, जिन्होंने अभी मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ गाइस गोल्डन बीच में, लेकिन मैं अकेला हूँ तो मेरा कोई फोटो क्लिक करने वाला नहीं है, तो भाई ने मेरा फोटो क्लिक किया एक्सीलेटर के साथ, और बहुत अच्छे भाई हैं शक्ति से ही अपने, इनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हेलो ब्रो, भाई देख सकते हेलो ब्रो, तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोग सब कोई, और बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई के चैनल को। देख लिया भाई, सुन लिया ना, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब मारो चैनल को, और ऐसे ही एडवेंचर और ट्रैवलिंग वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी इस चैनल पे। गाइस अभी मैं जहाँ पर हूँ वो है गोल्डन बीच का एंडिंग पॉइंट, और यहाँ से गोल्डन बीच एंड होता है, और इस प्रकार का देख सकते हैं ये, यहाँ से गोल्डन बीच का एंडिंग है। हमने स्वर्गद्वार से स्टार्ट किया था गोल्डन बीच मॉर्निंग से, और यहाँ तक आए अभी, ये है गोल्डन बीच का एंडिंग। और यहाँ से गाइस
आप देखेंगे तो ये बॉर्डर एरिया है गोल्डन बीच का, और गोल्डन बीच का ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ से गोल्डन बीच क्लोज होता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वीआईपी लोगों का। ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये ब्लू फ्लैग बीच, इसको बोलते हैं ब्लू फ्लैग बीच, जो कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट बीच में आता है ये ब्लू फ्लैग बीच। और इसके लिए चार्ज देने पड़ता है क्योंकि ये क्लीन बीच है, यहाँ आप पब्लिक एक्टिविटी जैसे कि नहाना ये सब नहीं कर सकते। गाइस गोल्डन बीच एक खूबसूरत बीच है हमारे उड़ीसा राज्य, अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको बहुत ही कम पैसे में गोल्डन बीच की ट्रिप होने वाली है। और मेरी बात किया जाए तो गाइस मैं ओनली 1000 रुपये लेके आया हूँ गोल्डन बीच यहाँ पूरी। गाइस 1000 रुपये में ट्रेन का खर्चा, आने जाने का, रूम का, हर चीज़ एकदम मैनेज हो गया। आप लंबा ट्रिप बनाना चाहते हैं तो और पैसा आपको लगेगा, और अच्छा होटल रुकना चाहेंगे तो और पैसा लगेगा, लेकिन अपना क्या है जो भी होटल मिल जाए अपना काम चल जाता है, अपना कम से कम में बन जाए, तो यही तो ब्लॉगर लोग की खासियत है। गाइस सी बीच का नॉइज़ भी बहुत आ रहा है, मेरा भी आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन गाइस आप लोग समझ रहे हैं ये सिचुएशन को, क्योंकि मैं गोल्डन बीच में होती यहाँ शोर तो होगा ही। हे गाइस कैसे लगा ये ब्लॉग आप बता सकते हैं मुझे कमेंट पर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के अभी। और ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं हम अभी के अभी, और नेक्स्ट ब्लॉग आपका पुरी का ही रहेगा, उसमें हम पुरी के फेमस MG गार्डन को दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट ब्लॉग पे आपको मिलते हैं गाइस, अभी के लिए बाय बाय।